बेस के बारे में जितनी बातें करवा लो मुझसे कम है। तो सबसे पहले तो नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। यहाँ पर आज हम करने वाले हैं सबवूफर की टेस्टिंग। अब भैया ये जो है ये एक्टिव सबवूफर है, लेकिन ये स्टूडियो के लिए डिज़ाइन किया गया, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टूडियो के लिए डिज़ाइन किया गया सबवूफर जो है हम अपने घरों पर नहीं लगा सकते। बिल्कुल लगा सकते हैं। मैंने इसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं इसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा, वहाँ से जाके आप देख लेना। तो अब कनेक्शन तो हमने यहाँ पर पहले से ही कर रखा है, तो अब यहां पर देखें तो लिखा है इनपुट सेंसिटिविटी, और इस इनपुट सेंसिटिविटी को हमें रखना है -10 dB पे। अब इसके बाद है वॉल्यूम को हम रखेंगे फुल मैक्सिमम पे, 200 वॉट की पावर है भैया, पूरी पावर हमको चाहिए। अब उसके बाद हम चेक करने के लिए यहाँ पर हमको 80 हर्ट्ज़, यानी कि जो भी, अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये यामाहा का AVR ना होता और कोई और स्टीरियो सिस्टम होता, या फिर जैसे कि मोबाइल फ़ोन से हम स्टीरियो टू RCA पिन लगा के लेते हैं तो वहाँ से सारी फ्रीक्वेंसीज एक साथ आ रही होती, तो अगर हमने उस तरीके से कनेक्शन किया हो तो तब वहाँ पर हम 80 हर्ट्ज़ पे करेंगे तो क्या होगा, सबवूफर सिर्फ 80 हर्ट्ज़ से नीचे की फ्रीक्वेंसीज़ को रिप्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पर दिया है XLF एक्सटेंडेड लो फ्रीक्वेंसी। अब ये जो कंपनी ने लिखा है यहाँ पर, अगर क्लब में कैसी साउंड आती है उस तरीके का फील देने के लिए यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे दिया है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब क्या कि जैसे कि हमारे पास ये हमारा AVR है, तो AVR में ऑलरेडी हमारे पास अंदर क्रॉसओवर सेटिंग्स हैं, तो वहाँ से जो क्रॉसओवर से फ्रीक्वेंसीज निकल रही होंगी ये वो डायरेक्टली वही एग्जैक्टली जैसी आ रही होंगी उन्हीं को एम्पलीफाई करके हमको सुनाएगा। अब पोलैरिटी में यहाँ पर या तो 0 या तो 180, तो हमको यहाँ पर इसको 0 पे रखना है। अगर इसको हम दबा देंगे तो 180 पे हो जाएगा, और इसको हम दोबारा दबा देंगे नहीं ये बाहर की तरफ होगी नॉब, तो ये 0 पे। तो अब क्योंकि मैं इसकी टेस्टिंग करने जा रहा हूँ, इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल क्या है वो हम चेक करेंगे। XLF पे पहले प्ले करता हूँ, फिर कुछ फ्रीक्वेंसीज में आपको एक्सटर्नल पे भी चला के सुनूंगा। तो फ्रीक्वेंसीज से जब हम टेस्ट करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसीज हम प्ले करेंगे तो ये कैसा आउटपुट देगा, तो यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगी एक ऐसे फाइल की जहाँ पर कि हमको फ्रीक्वेंसीज हो। तो मैंने इसके लिए स्पेशली, इसके लिए क्या, वो अब कोई भी सबवूफर आपको टेस्ट करना हो तो उन सब के लिए दो फाइल्स बनाई हैं, दोनों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक तो 50 हर्ट्ज़ का है, उस 50 हर्ट्ज़ को कैसे यूज़ करना है वो मैं एक अगले वीडियो में बताऊंगा, और दूसरा है जहां पर कि हम सारी फ्रीक्वेंसीज को 200 से लेकर के 20 हर्ट्ज़ के बीच में जितनी भी मेन फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो सब मैंने 10-10 सेकंड की क्लिपिंग्स डाली हैं, जिससे कि जब आप उनको प्ले करो तो समझ में आ जाए, दिख जाए, पता चल जाए कि ये फ्रीक्वेंसी बज रही है वीडियो में और सबवूफर हमारी ये फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो अब चलिए करते हैं शुरुआत टेस्टिंग की। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि मैं पूरा सेटअप कर रहा था कि भाई माइक तक आवाज़ बराबर पहुंचे एकदम, तो भैया अभी क्या हो रहा था जब इसको प्ले कर रहा था ना, तो मतलब मैं खुद फील कर रहा था कि जिस फ्लोर पर मैं हूँ, मैं बिल्डिंग में रहता हूँ, तो ये पूरा फ्लोर शेक हो रहा था ऐसे ऐसे, पूरी टेबल, ये अच्छी खासी हैवी टेबल है, ये पूरी टेबल ऐसे कांप रही थी, गिर 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 गिर। अब भैया टाइम हो गया, पता ही नहीं चला कि रात के जो है कि 10:30 बज रहे हैं, तो भैया मैंने सोचा कि अभी ये टेस्टिंग जो है रात में बंद करता हूँ। मुझे लगा ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये इतना पावरफुल है कि ये पूरा पूरा घर जो है हमारा हिला सकता बाकायदा। गुड मॉर्निंग, चलिए अब शुरू करते हैं टेस्टिंग। अच्छा, अभी यहाँ पर AVR के एक बार सेटअप में देख लेते हैं, सब कुछ हमने अकॉर्डिंगली सेट कर दिया है टेस्टिंग के लिए कि भाई लो फ्रिक्वेंसी अब हमारे सिस्टम में आएगी और ये उसको कैसे रिप्रोड्यूस कर पाएगा वो अब हम चेक कर लेंगे। ये फाइल जो है वो फ्रीक्वेंसीज हैं और ये 0 dB पे हैं। अगर मैं ये इन सबको बूस्ट करूंगा तो यहाँ पर साउंड क्लिप हो सकती है, तो ये भी 0 पे है और सब कुछ 0 पे। और ये मैंने अपलोड करने के बाद रीचेक किया कि कहीं अपलोड में कंप्रेशन में या कुछ भी यूट्यूब का जो रहता है उसमें कहीं बूस्ट तो नहीं हो गई, तो वो एकदम बिल्कुल लेवल पे है, तो वो कोई टेंशन की बात नहीं है। और यहाँ पर मैं अभी रिकॉर्डिंग करूँगा, जो भी साउंड फ्रिक्वेंसीज यहाँ से आएंगी, आप वहाँ पर मीटर देख सकते हो जो चल रहा है वो हमारे माइक्रोफोन का है। तो चलिए अब रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, और अब मैं शांत रहूँगा बिल्कुल, और यहाँ प्ले करते हैं फ्रीक्वेंसीज को।
अभी मैंने इसको XLF पे टेस्ट किया है, और इसकी जो टेस्टिंग पे हम लोग ने अभी रिजल्ट्स देखे वो भैया 20 हर्ट्स पे भी एक बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स इसका आउटपुट आ रहा था। तो अगर XLF मोड से कंपेयर करें तो जो एक्सटर्नल पे जब हम डालते हैं तो वहाँ पे बहुत क्लीन साउंड सुनाई दे रही है। 30 हर्ट्ज़ के नीचे की फ्रीक्वेंसीज हैं वो काफ़ी अच्छे से सुनाई दे रही हैं। और भी मैंने सबवूफर्स टेस्ट किए हैं, कुछ पे तो वो सुनाई ही नहीं देती, मतलब है कि नहीं पता ही नहीं। अब जहाँ पर जिस इन्वायरमेंट में मैंने ये रखा है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वाइब्रेट होती हैं, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, ड्रॉर्स हैं, उसमें रखा हुआ सामान जो लूज़ पड़ा है वो सब कुछ, तो वो झर्र फर्र थोड़ा बहुत तो साउंड आएगा ही, क्योंकि ये कोई प्रोफेशनल एनवायरनमेंट नहीं है जहां पर कि मैं इसको टेस्ट कर सकूं, जहां साउंड प्रूफ रूम हो, कुछ भी हिलने डुलने वाली चीज़ें ना हो। तो बहरहाल अब जो मैं बेस्ट कर सकता था वो मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे किया। जिन लोगों को क्लीन, नीट एंड क्लीन फ्रीक्वेंसीज सुनना पसंद है उस मामले में ये सबवूफर A1 है। जो लो फ्रीक्वेंसीज, एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो अब जो हमको फील होती हैं से चेस्ट पे से लगता है भैया हवा में उड़ गए एकदम से अचानक से, वो वाला फील जो था वो इसने पूरा कर दिया। अब जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चाहिए, मतलब बाकी की आवाज़ों से कोई लेना देना नहीं है, कुछ और सुनाई दे ना दे लेकिन बुम बुम इतना ज़्यादा सुनाई दे कि भैया खिड़कियाँ हिल जाएँ, कांच टूट जाएँ, हिल तो इससे ही गई, कांच तोड़ डालना हो, मतलब वॉल्यूम खोला कांच ही टूट गया, मतलब पड़ोसी भी आ गए घर में घंटी बजा के पुलिस वालों को लेके कि भैया आवाज़ कम कर दो नहीं तो कंप्लेन कर देंगे इतना ज़्यादा बेस कैसे निकलेगा। तो उसके लिए तो भैया फिर ये सब बूफर उन लोगों के लिए नहीं है, उन लोगों को तो फिर कुछ DIY पे ही जाना पड़ेगा। वो आगे चल के मैं कुछ और वीडियोस लेके आऊँगा, उन्हें बताऊँगा। अब यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसको आप दबा दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट आपको करने हो आप कर सकते हो, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर लेना। अब फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहता हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।